कतर और इराक के फौजी अहदेदारान का पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा का दौरा। पाकिस्तान में सुपर मशाक तैयारे की फरोख के हवाले से ब्रिगेडियर जनरल एसर राशिद अल महदी की सरबराही में कतर के अमीरी फोर्स के एक इंतहाई अहम अहदेदारान ने PAC कामरा का दौरा किया। कतर पाकिस्तान से सुपर मशाक ट्रेनिंग जेट हासिल कर रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने सुपर मशाक ट्रेनर्स के कुछ दस्ते कतर भिजवा दिए हैं, जो कतरी अमरी एयरफोर्स को ट्रेनिंग के दौरान सलाहियत को भरपूर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने खदमात सर अंजाम देंगे। वजारत दिफा की जानिब से इखलाकी रहनुमाई और ट्रेनिंग के हवाले से दोहर पाकिस्तान में पाकिस्तान प्राइमरी ट्रेनर एयरक्राफ्ट सुपर मशाक के पहले दस्ते की तरसील के हवाले से एक अहम ऐलान सामने आया है। कतरी फजाइया ने अपनी अल जमीम एयर अकेडमी में तरबियत देने वाले तमाम अफराद को सुपर मशाक पर एयर तरबियत देने का फैसला किया है। कतर ने पायलट से PC-21 पर जाने से कबल तरबियत देने के लिए 8 तैयारों का पाकिस्तान को ऑर्डर दिया था, जिसकी तरसील कतर को की जा चुकी है। अब कतरी वफद पाकिस्तान के PAC कामरा का दौरा कर रहा है। पाकिस्तानी सुपर मशाक एयरक्राफ्ट कॉलेज के पायलट उम्मीदवारों को तरबियत फराहम करेंगे, क्योंकि ये टर्बो इंजन हवाई जहाज़ परेड और नाइट फ्लाइंग के अलावा इब्तदाई और बुनियादी फौजी फजाई तरबियत में भी इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ कतर की जानिब से नहीं बल्कि मेजर जनरल शहाब जाहिद अल शकरपई के सरबराही में एक वफद जो कि इराकी एयरफोर्स से ताल्लुक रखता है उसने भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा का दौरा किया है और पाकिस्तान के ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग हासिल की।